So I welcome you all to this new chapter, Center of Mass. It's a part of System of Particles. इस चैप्टर को मैंने चार टैब्स में डिवाइड किया हुआ है. डेफिनेशन क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, एक्सप्रेशन क्या होता है, टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे और हम फिर सेंटर ऑफ मास देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के. ठीक है, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, पहली डेफिनेशन से शुरू करते हैं. तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is assumed to be concentrated. So this is the definition of center of mass. इसका जो motion होता है वो simplest होता है. इसका जो motion होता है वो simplest होता है. अगर एक object rotate करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो center of mass होगा उसका motion simplest होगा. Suppose करो ये एक ball है यहाँ पर, इस ball को अगर मैंने फेंका spin करवा के, तो इसका जो center of mass होगा वो एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा, सिंपल पैराबोलिक पाथ में, और इसके जो बाकी पार्टिकल्स होंगे वो घूमते भी होंगे और कुछ ऐसा पाथ भी फॉलो करते होंगे, तो उनका पाथ कॉम्प्लिकेटेड होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इट. लेट्स मूव अहेड विद एक्सप्रेशंस. तो एक्सप्रेशन देखते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की. तो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का दिया जाता है एक्स सी एम, और मैं इसको जनरल थ्री डायमेंशनल वेक्टर में लिखता हूं, आर सी एम विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ओ इज इक्वल टू एम वन आर वन विथ रिस्पेक्ट टू ओ प्लस एम टू आर टू विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंड सो ऑन. फॉर एन पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे तो एम एन आर एन ओ होगा डिवाइडेड बाई टोटल मास एम वन प्लस एम टू प्लस अप टिल एन ऑफ बॉडीज, राइट. सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास. अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो इट इज एम आई आर आई ओ फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन टू एन डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई. दिस इज फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन टू एन, राइट. तो ये हो गया वेलोसिटी, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इसी को डिफ्रेंशिएट करें अगर, तो इट इज नथिंग बट वी सी एम ओ इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और लेट्स राइट इट एज डी आर सी एम ओ बाई डी टी. सो वी सी एम विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ओ इज गिवन एज एम वन वी वन ओ प्लस एम टू वी टू ओ अप टिल एम एन वी एन ओ डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू till mn. Now in short it can be written as I is equal to 1 to n mi vi o divided by sigma mi I is equal to 1 to n. This is vcm. Now what about acceleration of center of mass? So acm o is nothing but rate of change of velocity of center of mass with respect to origin dvcm o by dt. This is equal to sigma I is equal to 1 to n mi ai o upon sigma mi I is equal to 1 to n. This is acmo. ये हमने expressions देखे discrete particle system के. Now let's discuss about continuous bodies. Very important statement. It says the center of mass of a two-dimensional body lies on the line of symmetry or on the point of intersection of lines of symmetry in case of more than one line, right? तो ये एक स्टेटमेंट हुआ. दूसरा हुआ, हम थ्री डायमेंशन के लिए जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थ्री डायमेंशनल बॉडी लाइज ऑन द प्लेन ऑफ सिमिट्री और ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमिट्री इन केस ऑफ मोर देन वन प्लेन. ठीक है, तो ये होती है बात. अब पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसमें हम आर सी एम जो लिखेंगे ये होगा डी एम इंटू आर डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम. सो दिस आर सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम आर अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम. दिस डी एम इज द मास ऑफ द एलिमेंट विच वी हैव चोजन
this is mass of the element, and r is the position vector of center of mass of dm, right? Now let's discuss about velocity of center of mass of continuous bodies. So vcm is equal to integral of dm into v upon integral of dm. V is again velocity of dm. Now about acceleration of center of mass, it is acm is equal to integral of dm into acceleration upon integral of dm, right? अब आती है बारी टू पार्टिकल सिस्टम की. तो टू पार्टिकल सिस्टम इसलिए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी सारे टू पार्टिकल सिस्टम पे ही बनते हैं. तो ये टू पार्टिकल सिस्टम हुआ यहां पर, ये m1 है और ये m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस r है. द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस. तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस. सो आर वन अपॉन आर टू विल ऑलवेज बी इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन. अगर इसकी वैल्यूज हम लिखना चाहेंगे तो हमने आर को डिवाइड किया है, तो ये आएगा आर वन आएगा एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू, और आर टू आएगा एम वन आर अपॉन एम वन प्लस एम टू. ठीक है, वेलोसिटी की बात करेंगे टू पार्टिकल सिस्टम की. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होता है. अगर टू पार्टिकल सिस्टम, इन्हीं पार्टिकल्स की बात करते हैं, इफ दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन तो देयर सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव. अगर इनिशियली वो रेस्ट पे था तो फाइनली भी रेस्ट पे ही होगा क्योंकि द फोर्सेज एक्टिंग आर इंटरनल फोर्सेज. ठीक है, तो सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस केस रिमेन जीरो. सो वी वन वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस एम टू अपॉन एम वन इन टू वी टू वेक्टर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वी वन वेक्टर. अब बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस की जो हमें याद रहने चाहिए इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को समझने के लिए. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, तो हॉलो हेमिस्फीयर के केस में, ये अगर हॉलो हेमिस्फीयर लिया मैंने, इट्स मास इज एम रेडियस इज आर, तो इसका सेंटर ऑफ मास रहता है सेंटर से आर बाई टू पर. ठीक है, इट्स अ थ्री डायमेंशनल फिगर, ये हमको याद रखना चाहिए. तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा आर बाई टू डिस्टेंस पे इसके सेंटर से. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जीरो कॉमा आर बाई टू कॉमा जीरो, अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे है तो. ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में, सो दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर, इसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका, वो यहां से सेंटर से इसके 3r बाई 8 डिस्टेंस पे होता है. ठीक है, तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये होगा 0 कॉमा 3r बाई 8 कॉमा 0. ठीक, फॉर हॉलो कोन, हॉलो कोन सेंटर ऑफ मास इज, से दिस इज अ हॉलो कोन एंड दिस इज अ सॉलिड कोन. मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने ये माना हुआ है. तो इसका सेंटर ऑफ मास हॉलो कोन का सेंटर से इसके बेस के सेंटर से आर बाई थ्री डिस्टेंस, एच बाई थ्री डिस्टेंस पे रहेगा, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द कोन एंड आर इज इट्स रेडियस. ठीक है, सॉलिड कोन का रहेगा बेस से h बाई फोर पर. ठीक है, ये इसका रेडियस r है और इसकी हाइट h है.
राइट तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखेंगे हम तो 0, h/3, 0, ये हॉलो कोन का हुआ, और इसका हुआ 0, h/4, 0, ये इसका हुआ, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर, सो दिस इज अ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r, राइट, एंड दिस इज इट्स x एक्सिस एंड दिस इज इट्स y एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा और ये इसके सेंटर से 2r/π पे होगा, तो ये आएगा 0, 2r/π, 0, ठीक है। फॉर सेमी सर्कुलर प्लेट, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा 4r/3π डिस्टेंस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका ओरिजिन है, तो 0, 4r/3π, 0, ये होगा सेमी सर्कुलर प्लेट। वी सॉ दिस चैप्टर, और चैप्टर तो नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट्स, वन इज बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास, द अदर वन इज बेस्ड ऑन कोलिजन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक पार्ट हमने इसका खत्म किया, जितने फॉर्मूलेज मैंने सिखाए हैं आपको उतने अगर आप लोग ध्यान देके काम कर लेंगे तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे एग्जाम्पल हमको सॉल्व करने होते हैं। ये एक हेमिस्फीयर है मेरे पास, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर का मास कैपिटल एम है, इसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है ये। इस सॉलिड हेमिस्फीयर से, अच्छा ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज इट्स वाई एक्सिस, दिस इज इट्स एक्स एक्सिस एंड दिस इज इट्स जेड एक्सिस, ठीक है। तो इससे हमने कोन कट करके बाहर निकाल दिया, और कोन का जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो उतनी है जितनी इसकी स्फीयर की क्या रेडियस है, और कोन का भी रेडियस वैसा ही है। तो जो पोर्शन बचेगा यहाँ पर वो ये शेडेड रीजन बचेगा, ठीक है। तो हमको इस शेडेड रीजन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड मास ऑफ द कोन, तो मास ऑफ द हेमिस्फीयर हमको दिया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड मास ऑफ कोन फर्स्ट। सो मास ऑफ कोन इज हाउ मच, हाउ विल वी फाइंड इट, द वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो इट इज पाई आर स्क्वेयर एच बाई थ्री, हियर एच इज आर, सो इट इज पाई आर क्यूब बाई थ्री, रो इज मास अपॉन 2/3 πr³, 2/3 πr³ इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड दिस इज पाई आर क्यूब बाई थ्री, सो दिस इज m/2, दिस इज मास ऑफ कोन, राइट। नाउ इसका जो प्लेन ऑफ सिमिट्री है वो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, और दूसरी प्लेन ऑफ सिमिट्री जो है वो है ये वाई जेड प्लेन। तो इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये वाई एक्सिस होगा, तो हमको इसके वाई एक्सिस से ही मतलब है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ऑफ सिमिट्री, ठीक है। तो देखते हैं, सो वाई सी एम इज इक्वल टू मास ऑफ हेमिस्फीयर एम इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/8 माइनस मास ऑफ कोन, वाई माइनस क्योंकि हम इसमें से इतना एलिमिनेट कर रहे हैं, मास ऑफ कोन इंटू सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है r/4 पर, डिवाइडेड बाई एम माइनस एम बाई टू, सो दिस इज 3mr-mr/8 इंटू एम बाई टू, तो दिस इज 4
एंड दिस इज 2 mr, mm भी कैंसिल हुआ यहाँ से, तो ये आएगा तुम्हारे, ये आएगा हमारे पास 2r/4, और इट इज r/2. उसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा RCM, दिस इज 0, r/2, 0, राइट. सो वी सॉ वन एग्जाम्पल ऑल्सो. सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो प्लीज डू द असाइनमेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.